Assalamualaikum friends, welcome back to my microwave queen Zahira YouTube channel. Friends, आज हम microwave में बैगन का भरता बनाने वाले हैं. तो चलो recipe start करते हैं. तो friends, चलो आज आप बैगन के भरते के ingredients बताती हूँ क्या क्या लगने वाले. तो सब में पहले ये बैगन लगेगा, बड़ा जो भरते के लिए लगता है वो. उसके बाद प्याज लगेगी, प्याज लगेगी, टमाटर लगेगा और धनिया. और ये मसाले लगेंगे, धने पूड़े, जीरे पूड़े, हल्दी है, नमक है, कांदा मसाला है और ये गरम मसाला है. तो अभी सब में पहले बैंगन को अच्छी तरह से धो के लिया है मैंने. इसको चारों तरफ से ऐसा कट करना है बैंगन को, क्यों तो माइक्रोवेव में रखने के बाद इसमें जो वेव्स जाएंगे तो वो बर्स्ट भी हो सकता है. इसलिए कटा हुआ ऐसा चारों तरफ से काटेंगे तो बर्स्ट नहीं होगा और बैंगन भी अच्छे तरह से भुन जाएगा. तो ये चारों तरफ से मैंने ऐसा कट लगाया है बैंगन को, देखिए अभी चारों तरफ से कट लगाया है. अभी इसको माइक्रोवेव में रखेंगे. तो फ्रेंड्स, अभी माइक्रोवेव खोल रही हूँ, डोर खोला, बैगन रखा है माइक्रोवेव में, देखिए डोर बंद किया, माइक्रो मोड़ दिया और इसको 3 मिनट देंगे. तीन मिनट दिया और स्टार्ट. माइक्रोवेव में जो बैंगन रखा है मैंने अभी भुनने के लिए, उसको मैंने 3 मिनट लगाया है, मगर 1.5 मिनट के बाद उसको खोलना है, वापस उसको घुमा के रखना है, ऐसा करके 3 मिनट होने के बाद निकालना है. तरह से भून गया, इसको ठंडा होने देंगे फिर इसके छिलके निकालेंगे. ये बाउल में मैंने तेल लिया है, उसको ऑयल लिया है, उसको गरम किया है. अभी सब में पहले हम प्याज डालेंगे इसमें. प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे और धनिया. अभी मसाले डालेंगे सब. मैंने 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धने पूड, 1/2 चम्मच जीरे पूड, 1 चम्मच कांदा मसाला और 1/2 चम्मच नमक. और 1/2 चम्मच गरम मसाला, ये सब डालेंगे. इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. और ये प्याज, टमाटर, जो भी अभी मैंने मसाले डाले, इसको माइक्रोवेव में भूनने के लिए रखेंगे. अभी ये मसाले को माइक्रोवेव में रखेंगे. तो सब मैं पहले डोर खोल रही हूँ, बाउल रखा है अंदर, जो मसाला प्याज वो सब मसाला भुनना है उसके लिए ढीला ढक्कन लगाया है. डोर बंद किया,
माइक्रो मोड़ दिया, टाइमिंग 1-4 मिनट लगेंगे। चार मिनट दिया और स्टार्ट। 4 मिनट में पूरा मसाला भुन जाएगा, फिर आगे बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये पूरा भुन गया है, ठंडा भी हो गया अभी बैंगन, तो अभी उसके छिलके निकाल दी हूँ। ऐसे छिलके पूरे निकल रहे हैं उसके, पूरा पक गया है वो। तो देखो फ्रेंड्स, माइक्रो में मेरी बैंगन के भरती की रेसिपी बनके तैयार हो गई, दिखाती हूँ आपको। देखिए ज़बरदस्त बनी है एकदम। आपकी मेरी ये रेसिपी, मेरी बैंगन की भरती की रेसिपी देखिए एकदम ज़बरदस्त बनी है। तो अभी मैं सर्व करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे बैंगन की भरती की सब्जी जो मैंने माइक्रोवेव में बनाई थी वो बन के तैयार हो गई। आप भी इसी तरह बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। और फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पे कौन कौन से रेसिपी देखना है तो कमेंट में बताइए, तो मैं वैसे ही रेसिपी आपको बताऊँगी। तो मेरी आज की बैंगन भरती की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी तो इमीडिएट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।